नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश शुक्ला भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी से बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट में भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षक बंधुओं द्वारा जो वीडियो और पीडीएफ आप तक पहुंचाया जा रहा है उसे आप देखें और बीएमटीटीसी मोतिहारी को प्रथम वरीयता क्रम के रूप में चुनें। ऐसे तैयारी हेतु जो हम लोग वीडियो दे रहे हैं उस वीडियो में हमने आपको शिक्षण अभिरुचि के जो 25 सवाल आते हैं उसके कई टॉपिक्स पर आपसे चर्चा कर रखी है पूर्व से। आज हम आपसे शिक्षा के संबंध में विविध प्रकार की जो समस्याएं हैं, विविध प्रकार की जो विवाद हैं और जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, जो शिक्षा के विकास से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं, उसके प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति है चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा और दूसरे कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई सामान्य जानकारियां भी रखनी होंगी। तो ऐसे प्रश्नों में जो आपके नित्य प्रतिदिन अगल बगल देखने को मिलते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप हल करें। जैसे पहला प्रश्न आप देखें कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, प्रत्येक जगहों पर नवोदय विद्यालय स्थापित है, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित है पूरे भारत में, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन पर ध्यान दें आप, ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के लिए, शहरी क्षेत्र के निर्धन लोगों के लिए, उपर्युक्त दोनों के लिए, केवल एससी और एसटी छात्रों के लिए या सभी के लिए। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन वर्ग के बच्चों के उत्तम शिक्षा हेतु की गई थी, तो इसका आंसर ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नाम का एक अभियान चला था, इसका संबंध था या ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किससे जुड़ा हुआ था? विकल्प पर ध्यान दें, ब्लैकबोर्ड की चिकित्सा के लिए, प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था के लिए, माध्यमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए, उच्च कक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, दूसरा जो ऑप्शन है शिक्षण सामग्री, प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री या आधारभूत संसाधन की उपस्थिति के लिए था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शुरुआत कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये बातें सबको मालूम है, उसी में ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना और पुनर्गठन का सुझाव कब आया? तो आप ध्यान दें कि एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, दूसरे राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, तीसरे डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं और भारत में कुछ ग्रामीण विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए हैं। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना और उसके पुनर्गठन का सुझाव किस कमेटी के द्वारा कब दिया गया? इसका ऑप्शन है कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुदालियर आयोग, राममूर्ति आयोग। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसका ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। इग्नू, जो आपके अगल बगल हर जगह उसके संस्थान स्थापित हैं, इग्नू की स्थापना किसने की? केंद्र सरकार ने की, राज्य सरकारों ने किया है, यूजीसी के द्वारा किया गया या यूनिसेफ के द्वारा किया गया? तो इग्नू की स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। यूजीसी में एक महिला प्रकोष्ठ होता है, यूजीसी के इस महिला प्रकोष्ठ की स्थापना कब की गई थी? कोठारी आयोग की संस्तुति पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 की संस्तुति पर, राममूर्ति कमेटी की संस्तुति पर या 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में जो है वो एक महिला प्रकोष्ठ यूजीसी में बनाई गई थी। इंटीग्रेटेड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि,
अभी खूब जोरों में चर्चा है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हाई आपके इंटरमीडिएट जो बच्चा पास कर लेता है तो ग्रेजुएशन और साथ साथ बीएड की डिग्री, तो ये दोनों को मिलाकर के इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहा जा रहा है। इंटीग्रेटेड शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी? तो इंटीग्रेटेड की अवधि 4 साल की होगी। इसमें आपका जो 3 साल का बीए और 1 साल का बीएड जो है वो मिलाकर के 4 साल का हो जाएगा। नहीं, वैसे अलग अलग करते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का बीएड, तो 5 साल हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड शिक्षक प्रशिक्षण में आपके अवधि 4 वर्ष की रखी गई है। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का प्रशासन कौन करता है? आप देखे होंगे कि प्रत्येक क्षेत्रीय जितने भी कॉलेज हैं उन क्षेत्रीय कॉलेजों में टीचर ट्रेनिंग के संस्थान स्थापित किए हुए हैं। इस रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? यूजीसी के द्वारा, या प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? यूजीसी के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, या सभी के द्वारा? तो इसकी स्थापना और प्रशासन सब कुछ एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपके गांव में बड़ी तेजी से दिख रहा होगा ये, कि बड़े बुजुर्ग भी पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का संबंध किससे था? प्राथमिक शिक्षा से था, माध्यमिक शिक्षा से था, उच्च शिक्षा से था, प्रौढ़ शिक्षा से था, प्रौढ़ और निरक्षरता। तो ये अंतिम जो पांचवा विकल्प है, प्रौढ़ और निरक्षरता, मतलब इसमें बुजुर्गों को भी पढ़ाया जाता है जिससे कि निरक्षरता दूर हो जाए। तो इस अगला प्रश्न है, स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कोठारी आयोग के द्वारा, मुदालियर आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के द्वारा, या सभी के द्वारा? तो स्कूल कॉम्प्लेक्स का की जो विचारधारा है वह कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया था। डीम्ड विश्वविद्यालय, जैसा कि अभी हमने आपको पूर्व में अभी भी चर्चा किया आपसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं, ग्रामीण विश्वविद्यालय होते हैं। तो डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त शासी निजी संस्थान, उपर्युक्त सभी? तो डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। यूजीसी, आजकल हमारे यहाँ अगल बगल में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सारे विश्वविद्यालयों को मान्यता यूजीसी देती है। यूजीसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में, 1953 में, 1963 में, 1970 में? तो यूजीसी की स्थापना 1953 में की गई थी। तो इस तरह से ये शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाएं थी, और उन संस्थाओं के संबंध में आपकी क्या अभिवृत्ति है, कितनी आपकी जानकारी है, ऐसे प्रश्नों को आप हल करते हैं। ठीक है, अन्य जो भी जानकारियां हैं आप वीडियो को, ऐसे वीडियो जो हम लोग दे रहे हैं इसको आप देखते रहें, और VMPTC को लाइक करें, इसका चुनाव करें। धन्यवाद।